अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही। क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी क्या? म्यूट पे भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आवाज आ रही है मेरी? जी जी इमरान भाई, आपकी आवाज़ आ रही। कैसे हो आप? अली, तबीयत ठीक है आपकी? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अलहमदा, रहमान भी आप ठीक हैं? जी अलहमदुलिल्लाह, ठीक ठाक। सारे सुन रहे हो? सबको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ये बता दें कि रात वाले लेक्चर में कौन कौन था? मैं भी जी, था, मैंने लास्ट मोहम्मद अली। ज्वाइन किया था जब एंडिंग हो रही थी। ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए थोड़ी माजरत, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, तो नेक्स्ट टाइम ना हमारा लेक्चर टाइम पे ही शुरू होगा, 3 बजे दिन में, सैटरडे वाले दिन। ठीक है। ओके। और सारे टाइम पे ही आएंगे, थोड़ा टाइम की पाबंदी करनी है, टाइम पे आना है। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कीवर्ड रिसर्च का। अच्छा, मुझे गूगल एड्स के अकाउंट्स बने हुए हैं आप सबके? नहीं, मेरा नहीं बना हुआ। नहीं, मेरा भी नहीं बना हुआ। और कोई गूगल एड्स का अकाउंट? जी जी, गूगल एड्स अकाउंट नहीं बना हुआ। नहीं, अभी बनाया नहीं, बना लूंगी मैं, आज करूंगा पेरेंट्स। अच्छा, वो सिंपल सा है, मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, तो वो भी देख लें किस तरह से बनता है। उसके बाद हम ओवरव्यू देंगे थोड़ा सा रात के लेक्चर का, फिर हम कीवर्ड सर्च शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी? जी हो गई। अच्छा, जी जी सिंपल गूगल अकाउंट कैसे बनता है? सिंपल, आपने यहाँ से ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ना इसका आइकॉन मिल जाएगा गूगल एड्स का, ये यहाँ पे। अभी नहीं हो रही। नहीं हो रही? नहीं, पहले शो हुई है, फिर कोई नहीं आ रही।
मुझे भी शो नहीं हो रही स्क्रीन। अब हो रही है जी जी अब आ रही। ठीक है। अच्छा यहाँ से आपने इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से आइकॉन आएगा आपका इसका गूगल एड्स का ये वाला, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अच्छा जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देगा। अच्छा एक्चुअली ये मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, यहाँ पे साइन इन के बाद आपको ना ये जीमेल की एक्सेस मांगता है, इसी जीमेल की यहाँ पे जो जीमेल आपने दी हुई होती है किसी भी जीमेल पे बन जाएगा। तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ए कम्पेन, आप कम्पेन के साथ उसको बनाना चाहते हैं या विदाउट कम्पेन, तो आपने विदाउट कम्पेन पे क्लिक कर देना है, आगे सीधा से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा सिर्फ जीमेल पे अकाउंट बन जाता है ये, साइन इन पे आप क्लिक करोगे आगे अकाउंट की एक्सेस मांगेगा जीमेल की, सीधा अकाउंट बन जाएगा आपका। उसके बाद इस तरह का ओवरव्यू आएगा। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो सेम ये वाली सिचुएशन होती है। अच्छा हमने रात डिस्कस किया था कीवर्ड्स के बारे में, तो रात आप में से कोई इच्छ नहीं थे लोग, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कीवर्ड्स होते क्या हैं गूगल एड में, इसका क्या काम होता है। एक्चुअली जो हम ऐड बनाते हैं, ऐड बनाने के लिए हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, मतलब कोई आज जाके सर्च में सर्च करे और हमारा ऐड शो हो। जैसे हमने सर्च किया वुमेन शूज इन USA, तो ये वाली चीज वेबसाइट्स हमारे सामने आ गई, ये ऊपर एक दो तीन चार जहाँ जिसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है ना, ये सारे एड्स हैं। अब हमने कीवर्ड्स यूज किया ये वाला वुमेन शूज इन USA, हमारे सामने ये एड्स आ गए, इन्होंने ये पे कर रहे हैं गूगल को, इन्होंने अपना एड्स लगाया हुआ है, एक ये भी हो गया फ्रंट, ये सेकेंड पे, ये थर्ड, ये फोर्थ। अच्छा अब इस कीवर्ड्स पे हमारा इनका ऐड शो हुआ है, ये सारों ने एक ही कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो इसी वजह से हम कीवर्ड्स अपने ऐड ग्रुप में यूज़ करते हैं एड्स को ट्रिगर कराने के लिए, एड्स को फ्रंट पेज पे दिखाने के लिए। तो एक ऐड एक होती है कंपेन, उसके अंदर होते हैं ऐड ग्रुप्स, ये आगे ये जैसे ये यहाँ पे आप समझेंगे, यह यहाँ से आ गया, ये होगी कंपेन। एक फॉर एग्जांपल ये कोई बिजनेस है, ये इसकी एक कंपेन है। अच्छा कंपेन को हम कैटेगराइज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई बिजनेस है और वो मेंस के भी शूज़ सेल कर रहा है और वोमेंस के भी शूज़ सेल कर रहा है। अच्छा अब हम मेंस और वोमेंस को एक ही एड ग्रुप्स में नहीं रख सकते ना, एक ही कंपेन में रख सकते हैं, तो हम पता है क्या करते हैं, हम करते हैं कि इनकी दो अलहदा अलहदा कंपेन्स बना देते हैं, सेम जो कीवर्ड्स होते हैं वो एक कंपेन्स एक एड ग्रुप्स में यूज़ नहीं हो सकते, सेम कीवर्ड्स हम सेम कीवर्ड्स का एक एड ग्रुप बनाते हैं, फिर एक और सेम कीवर्ड्स आ जाएगा उसका फिर अलहदा एड ग्रुप बनाते हैं। उसका मतलब कि अगर कोई ये मेंस शूज़ भी सेल कर रहा है वोमेंस शूज़ भी सेल कर रहा है, तो हम मेंस शूज़ की कैटेगरी में एक कंपेन बनाएंगे, वोमेंस शूज़ की कैटेगरी में दूसरी कंपेन बनाएंगे, जो मेंस शूज़ की कैटेगरी आएगी उसके अंदर फिर हम छोटे छोटे ऐड ग्रुप्स बनाएंगे, उस ऐड ग्रुप्स में हम मेंस शूज़ की जो टाइप्स होती हैं वो उसके रिलेटेड एक एक ऐड ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे कि अब मेन शूज़ में हमारे पास आ जाता है स्नीकर्स आ जाते हैं, मेन स्नीकर्स आ जाते हैं, मेन स्लीपर्स आ जाते हैं, मेन सैंडल्स आ जाते हैं, तो इस तरह से एक एक ऐड ग्रुप उनकी स्पेसिफिक टाइप के बारे में बनाएंगे।
इसी तरह जो वोमेन्स होगा, वोमेन्स के अंदर भी हम छोटे छोटे ऐड ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें उस शूज की टाइप्स के बारे में ऐड बनाएंगे अलग अलग से। ठीक है, ये तो हो गया कैंपेन्स और ऐड ग्रुप्स का डिफरेंस। थोड़ा बहुत हम सेम मतलब एक ऐड ग्रुप के अंदर ना वोमेन शूज और मैन शूज के दोनों कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अलग अलग ऐड ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब आगे कीवर्ड्स रिसर्च। ये मैंने आपको बताया कीवर्ड्स रिसर्च हम कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं कि ये जो जिस कीवर्ड पे हम अपना ऐड चला रहे होते हैं उसी कीवर्ड पे हमारा ऐड ट्रिगर हो, लोगों के सामने आए, जस्ट इसलिए हम कीवर्ड्स यूज करते हैं कीवर्ड रिसर्च। इसके लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे हम टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे, प्लानिंग में जाएंगे और कीवर्ड प्लानर आएगा। यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, कल हमने कुछ डिस्कस किया था, आज ना किसी कोई वेबसाइट की ना हम उसके कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, इसकी हमने कोई भी मेन कंपेन चलानी है। ये वेबसाइट पहले पहले सबसे पहले तो हम वेबसाइट्स को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको बिजनेस को समझेंगे कि ये बिज़नेस किस चीज़ का है, क्या क्या चीज़ें ये सर्विसेज दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले वेबसाइट्स को जाके पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक वेबसाइट है जो केयर एक्सपर्ट्स के नाम से है, होम नर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब घरों में जाके नर्सेज काम करती हैं, होम केयर नर्स की ज़रूरत होती है जो एक घर अफोर्ड मतलब घर के लिए, बुक योर होम केयर नर्स। अच्छा, ये मतलब एक सर्विसेज दे रहे हैं वो, इस इनकी ये तो एक मेन सर्विस है, होम केयर नर्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरी इनकी सर्विसेज यहाँ पे हम देखें ना, मदर एंड न्यू बॉर्न केयर, चाइल्ड केयर एंड बेबी सिटिंग, ये सारी वो सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, जब हम कैंपेन बनाते हैं किसी बिजनेसेस की तो हम जाके सर्विसेज चेक करते हैं, अगर तो वो सर्विसेज एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो हम अलग-अलग ऐड ग्रुप्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर तो वो सेम है फिर हम एक ही ऐड ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे सारे डिफरेंट हैं, मतलब ये चाइल्ड केयर के बारे में है, ये स्पेशल केयर के बारे में, स्पेशल पीपल्स जो होते हैं उनके बारे में है, ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में है, यहाँ से PCR टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर उनकी, तो इस तरह ये एजुकेशन स्किल्स दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं जो घरों में जाके, तो इन सब का अलग अलग ऐड ग्रुप्स बनेगा। ठीक है, अच्छा आज हम चलेंगे मेन इसकी जो सर्विस है, जो होम केयर सर्विसेज दे रहे हैं, जो होम केयर नर्स की सर्विसेज दे रहे हैं, उस पर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। हम चाहते हैं कि अभी हम जस्ट इसी पे ऐड चलाएं कि होम केयर नर्स की जो सर्विसेज कोई बुक कराना चाह रहा है तो वो हमारा ऐड उसको शो हो जाए। ये दुबई की वेबसाइट है, दुबई और ये मेरे ख्याल में शारजा में ये सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, हम फिलहाल इसको दुबई में देखते हैं कि दुबई में इसकी क्या है। अब हमने सिर्फ एक मेन कैंपेन चलानी है होम केयर नर्स के हवाले से, और हमने सिर्फ इसी के रिलेटेड ही कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है। अच्छा, एक तो इसका तरीका यह है कि इसका लिंक कॉपी करें आप, यहाँ से है स्टार्ट विद ए वेबसाइट, यहाँ पे इसका लिंक डाल दें और इस सारे वेबसाइट पे जितने भी कीवर्ड्स यूज़ किए हुए होते हैं वो हमें बता देता है। यहाँ से एक मिनट, ये लोकेशन इसकी चेंज करनी है।
वो ये हमें जो ये कीवर्ड्स देता है ये इस वेबसाइट से उठा के देता है, जो इस वेबसाइट पे कहीं ना कहीं यूज़ किए होते हैं, कोई सर्विसेज दे रहा है, ऑल ओवर वेबसाइट्स के जितने भी कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं, मतलब कि इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी सर्विसेज ये दे रहे हैं उसके रिलेटेड डोमेन में क्या सर्चेज हो रही हैं वो हमें बताता है। ठीक है, अगर कहीं पे किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी बताना है, आपने रोक देना है मुझे। समझ नहीं आ रही फिर भी आपने पूछना है। अगर हम वेबसाइट का लिंक इंटर करके कीवर्ड्स ढूंढे गए तो वो कीवर्ड्स ले आएगा हमारे पास जो इस वेबसाइट पे सर्विसेज दी जा रही हैं और वो दुबई में सर्च की जा रही हैं, वो हमें कीवर्ड्स देगा। अब वो दे ये देखे कितने सारे कीवर्ड्स दे रहा है, वो दे रहा है कि होम केयर सर्विसेज दुबई, इसकी 1,000 से 10,000 की सर्चेज हैं, एवरेज सर्चेज हैं हर मंथ। होम हेल्थ केयर दुबई, इसकी भी इतनी सर्चेज हैं, होम हेल्थ केयर दुबई। ये मतलब ये सेपरेट सेपरेट दो, मतलब हेल्थ और केयर सेपरेट है और ये इकट्ठा लिखा हुआ है, मतलब इकट्ठा कोई लिख के भी इतनी सर्चेज कर रहे हैं, कोई अलहदा अलहदा लिख के सर्चेज कर रहे हैं। होम नर्स सर्विसेज दुबई, एट होम केयर, केयर होम नर्स, केयर होम नर्सिंग सर्विसेज, केयर होम इन दुबई, केयर सर्विसेज एट होम, ये सारी नर्सेज की होती हैं सर्विसेज। इसमें से जो भी आपको अच्छे कीवर्ड्स लगे, आपको रिलेटेड लगे, हमने वो उठाने हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि किस तरह उठाने, किस तरह हमारा जो मेन फोकस था वो किस पे था कि हमने कीवर्ड्स उठाने हैं होम केयर नर्सिंग सर्विसेज के। अच्छा यहाँ पे हमने लिखना है कि भाई ये हमारे रिलेटेड है होम केयर सर्विसेज दुबई, ये हम उठा लेंगे। इसकी हम एवरेज मंथली सर्चेज उठाएंगे। अच्छा मिनिमम 500 सर्चेज होने चाहिए अगर जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, मिनिमम 500 सर्चेज। कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस बिजनेस के जिसके आप एड चलाना चाहते हो या चला रहे हो उसकी सर्चेज बहुत कम होती हैं, बहुत ही मिनिमम होती हैं, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो, कभी 50 वाले भी उठा सकते हो। उनकी ऐसा होता है कि उनकी होती मैक्सिमम 100 हैं या मैक्सिमम 80, 70, 50, तो इसलिए वो फिर आप यूज़ कर सकते हो उस हिसाब से। कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये हमने जो ऐड चलानी है वो होम केयर नर्सिंग सर्विसेज है और हम उसी के रिलेटेड हम कीवर्ड्स उठा रहे हैं। एक ये कीवर्ड्स उठा लिया हमने, उसके बाद इसी तरह से ये आगे इसकी आ जाती है कंपटीशन और इसकी टॉप ऑफ विद पेज और लो रेंज और हाई रेंज, मतलब कि पेज पे टॉप पे आपको कितना चार्ज कर रहा है पे क्लिक का और मिनिमम कितना चार्ज कर रहा है और मैक्सिमम कितना चार्ज कर रहा है। इस तरह ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, पर ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा, जस्ट हम कीवर्ड की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से ये सेकंड होम हेल्थ केयर दुबई, ये हम कीवर्ड्स उठा सकते हैं, ये हमारे रिलेटेड है, ये भी हमारे रिलेटेड है, ये भी उठा सकते हैं। कुछ ये सेपरेट सर्च करके आ रहे हैं, कुछ इकट्ठा सर्च करके आ रहे हैं। होम नर्स सर्विसेज दुबई, ये भी हमारा कीवर्ड है, रिलेटेड है, ये हम उठा लेते हैं। अच्छा, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आपने कम यूज़ करने हैं, ज़्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। लॉन्ग टेल स्पेसिफिक होती हैं, शॉर्ट टेल का मीनिंग थोड़ा आगे पीछे कुछ और कीवर्ड्स ऐड कर दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ज़्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो। केयर फॉर होम हेल्थ, होम केयर, केयर होम केयर सर्विसेज, केयर होम नर्सिंग सर्विसेज, ये उठा लेते हैं। अच्छा केयर होम्स इन दुबई, यहाँ पे ख्याल करना है आपने, अब ये किसी ब्रांड का नाम है केयर होम्स,
केयर होम किसी ब्रांड का नाम है। अब ये जो सर्च कर, अब इसको हम उठा लेंगे, हम अपने एड कॉपी में डालेंगे, वो तो किसी और ब्रांड का नाम यूज़ करके आ रहा है। वो अगर मतलब ये किसी ब्रांड का नाम यूज़ करके आ रहा है और वो सर्विसेज भी तो इसी से बाय करना चाह रहा होगा ना, तो इसलिए ये कि ऐसे कीवर्ड्स हमने ब्रांड्स के नेम के कीवर्ड यूज नहीं करने हैं हम कोई। अच्छा इमरान भाई, हमें पता कैसे चलेगा कि ये ब्रांड है कोई या वैसे लिखे हुए हैं? अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई फेमस सर्विसेज आप दे रहे हो, जैसे आप, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई शूज़ की सर्विसेज दे रहे हो, हम हमारा ब्रांड है इंडियोर्स के, पाकिस्तान में हम शूज़ की सर्विसेज दे रहे हैं, हमने इंडियोर पे ऐड चलाना है, और अब आपको पता नहीं है आपके कंपेटिटर कौन कौन है इंडोर के, बाटा हो गया, स्टार्टलेट हो गया, उसके अलावा सर्विसेज हो गए, सर्विस अच्छा बोरजान हो गया, ये सारे उसके कंपेटिटर हैं। हम इनका नाम पहले ही नेगेटिव में डाल देंगे कि इनका ये जो सर्च करके है, ये एक तो नेगेटिव लिस्ट होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो अलग टॉपिक है, पर हम अपने कीवर्ड्स में ये इनके नाम ऐड नहीं करेंगे। मतलब कोई सर्च करके आ रहा है बोरजान मेंस शूज़ और हम अपने एड कॉपी में यूज़ नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो बोरजान मेंस शूज़ अगर सर्च करके आ रहा है तो वो तो बोरजान से लेना चाह रहा है ना, उसको हमारा ऐड शो भी हो जाए तो वो नहीं क्लिक करेगा, 80-90% चांसेस होते हैं कि नहीं क्लिक करेगा, ठीक है। किसी के हमें पहले से अंदाज़ा होता है कभी कभी, जैसे आप इंडोर के, मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम इंडोर के शूज़ की वो करा ऐड चला रहे हैं, तो उसके कंपेटिटर का हमें पता होना चाहिए, जैसे कि बाटा की आपको दी, बोरजान की दी, इसी तरह सर्विस है और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो इसके कंपेटिटर में आते हैं, तो उनके तो पहले कीवर्ड्स हम अपने ऐड कॉपी में नहीं डालेंगे। बाद में ये होता है कि कुछ लोग उस सर्च करके आते हैं, हम फ्रेज और एग्जैक्ट मैच इस तरह से अगर ब्रॉड मैच में कीवर्ड ऐड करते हैं, तो बाद में वो लोग बोरजान सर्च करके आ रहे होते हैं, तो फिर भी हमारा ऐड शो हो जाता है, तो इस तरह से फिर हम नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। अच्छा होम केयर सर्विसेज, अच्छा ये आ गया होम केयर अबू धाबी में नहीं है हमारी सर्विसेज, होम केयर सर्विसेज, अच्छा होम केयर सर्विसेज ये कीवर्ड अच्छा है, ये यूज़ कर सकते हैं हम, होम केयर सर्विसेज अबू धाबी में हम सर्विसेज नहीं दे रहे, तो इस तरह से ये इस तरह के कीवर्ड्स भी इग्नोर करने हैं आपने। होम हेल्प केयर अच्छा कीवर्ड है, ये यूज़ कर सकते हैं, होम नर्स दुबई यूज़ कर सकते हैं, होम नर्स सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, होम केयर हेल्थ होम केयर नथिंग होम, ये नर्सिंग होम अच्छा नर्सिंग होम नहीं, अच्छा ये और तरह से भी आ जाता है नर्सिंग होम, कोई गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं जैसे नर्सिंग के, वो फिर इस तरह से कीवर्ड्स इग्नोर करने आप। अच्छा ये अब 24 केयर ये किसी के ब्रांड का नाम है, 24 हेल्थ केयर ये किसी ब्रांड का नाम होगा मेरे ख्याल में, मुझे लगता है ये 24 आवर केयर एट होम कॉस्ट, अच्छा एक और कीवर्ड आ गया, अब ये 24 आवर केयर एट होम कॉस्ट कोई सर्च कर रहा है, ये वर्ड सर्च हो रहा है 100 से 100 के दरमियान हर मंथ सर्च हो रहा है, अब ये कॉस्ट चेक करने के लिए कोई आ रहा है, बाइंग इंटेंट या सर्विसेज लेने के इंटेंट से नहीं आ रहा, वो जस्ट कॉस्ट, वो कह रहा है कि 24 घंटे अगर कोई होम नर्स है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, वो जस्ट कॉस्ट करने के, ये भी हम इग्नोर करेंगे, वो पहले तो एक दो चेक करेगा ना कि इसकी कॉस्ट कितनी है, वो तो उसके तो हमें क्लिक पड़ जाएगी, 4-5-15-20 डॉलर तो क्लिक पड़ जाएंगे हमें, तो इस तरह से भी आपने इग्नोर करना है। डोमेंटा केयर एट होम होम केयर, अच्छा ये इसकी और सर्विसेज आ गई टैप टाइप की, तो इस तरह से अभी हम जस्ट होम केयर नर्सिंग पे जा रहे हैं, हम बाकी सर्विसेज पे नहीं जा रहे, तो ये कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं करना, ये तब आप यूज़ करते हो जब इसके स्पेसिफिक आप ऐड ग्रुप बनाओगे, डेंटिमा केयर अगर आप ऐड ग्रुप अलहदा से बनाओगे तब आप ये कीवर्ड यूज़ करोगे। और आवर होम हेल्थ केयर ये जैसे अच्छा कीवर्ड है, ये फिर से वही कॉस्ट वाला आ गया, ये ऐड नहीं करना हमने। होम केयर हेल्थ केयर नियर मी, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, नियर मी का कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है,
ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं साथ, सर्विसेज के रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं ना वो नियर मी से रिलेटेड, क्योंकि सर्विसेज जल्दी अर्जेंट पे करनी होती है उन्हें, तो नियर जो साथ होता है उसी को वो हायर करते हैं, तो ये कीवर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, ये कीवर्ड अच्छा है। उसके अलावा स्किल्ड नर्सिंग एट होम, ये अच्छा है कीवर्ड, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ नर्सिंग जो हायर करना चाह रहे हैं, ये भी अच्छा कीवर्ड है। होम केयर, होम केयर, नर्सिंग होम, अच्छा जो हमने ये उसकी वेबसाइट्स को हमने लिंक डाला, उसने 1958 इतने उसने कीवर्ड्स 2000 के नज़दीक कीवर्ड्स हमें दिए हैं। ए स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी नहीं यूज़ कर सकते, एक्टिव केयर होम, एक्टिव केयर, एक्टिव केयर, एक्टिव केयर, ये शायद मेरे ख्याल में एक्टिव केयर कोई ब्रांड का नेम है, एक्टिविटीज़ फॉर केयर होम, अच्छा ये भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन ले, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज़ का वर्ड कोई भी यूज़ नहीं करते, अच्छा ये अडल्ट, अडल्ट केयर होम, अडल्ट केयर होम नियर मी, ये अच्छा कीवर्ड है, ये यूज़ कर सकते हैं हम, अच्छा एजेड केयर फैसिलिटीज़ नियर मी, ये भी अच्छा है, मतलब एजेड केयर मतलब बूढ़े लोगों के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रही हैं नर्सिंग फैसिलिटीज़, वो लोग सर्च करके आ रहे हैं, अच्छा ये आ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ होम नर्सिंग, एडवांटेज होम केयर नर्सिंग, अब ये यूज़ नहीं कर सकते कि उसके फ़ायदे या नुकसान ढूंढने के लिए आ रहा है, तो उससे हमें क्या लेना देना, सर्विस परचेज करने के लिए तो नहीं आ रहा वो, तो ऐसे कीवर्ड्स भी इग्नोर करने हमने। ऑल केयर होम हेल्थ सर्विसेज, ऑल केयर होम हेल्थ सर्विसेज का मतलब कि सारी हेल्थ की सर्विसेज दें वो भी घर पे, ये भी कीवर्ड अच्छा है, अच्छा ये आ रहा है अमेरिका होम हेल्थ, अब अमेरिका में, अमेरिका का हमें क्या लेना देना, या शायद मेरे ख्याल में ये कोई अमेरिका का ब्रांड नेम हो सकता है, ये यूज़ नहीं करेंगे हम। अच्छा इमरान भाई, रात को आपने बताया था कि कितने हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम कीवर्ड्स? मैक्सिमम आप 100,000 में कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं एड ग्रुप में, ठीक है, मिनिमम एक यूज़, एक कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो मिनिमम, वैसे आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 100 आपको रिलेटेड मिलेंगे ही नहीं, सही है, आप 100 कीवर्ड यूज करने से बेहतर है आप 15-20-25 कीवर्ड्स आपके 20-25 होने चाहिए एक ऐड ग्रुप में, अगर तो उसकी सर्चेज नहीं ज्यादा हैं, मतलब थाउजेंड्स में मिलियंस में भी सर्चेज होती हैं, तो फिर आपको 25-30 कीवर्ड्स आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, तो जब जिसकी सर्चेज बहुत कम होंगी, मतलब अब टॉप पे भी 100, 10 से 100 आ रहे हैं, तो फिर तो कम होती जाएंगी ना, तो फिर उसके लिए आपको कम कीवर्ड्स होते हैं, फिर जब जो आपको रिलेटेड मिलेंगे 10, 12, 15 फिर आप उतने ही यूज़ कर सकते हो। सही हो गया, ठीक हो, कोई सर्विसेज आप दे रहे हो तो वो कुछ प्राइस लिख के आ रहा है कि होम हेल्थ केयर सर्विस प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी है, वो ऐसे कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने आपने, कोई उसकी टिप्स ढूंढ रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज की टिप्स ढूंढ रहा है, कुछ कोई देख रहा है कि होम हेल्थ केयर नर्सिंग का कोर्स ढूंढ रहा है, ऐसे कीवर्ड यूज़ नहीं करने आपने, आपने वो यूज़ करने हैं जो बाइंग इंटेंट से आ रहे हैं, मतलब कि वो सर्विसेज ख़रीदने के लिए आ रहा है, जैसे ये बेस्ट होम केयर नर्स सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब भी यही है, मतलब बेस्ट होम नर्स सर्विसेज, वो कोई ढूंढ रहा है नर्स की सर्विसेज ढूंढ रहा है बंदा बैठा हुआ, ये नियर मी बेस्ट होम हेल्थ केयर नियर मी, वो भी सर्विसेज ढूंढ रहा है, बेस्ट होम हेल्थ केयर एजेंसी ढूंढ रहा है, होम हेल्थ केयर एजेंसी यही होती है कि जो प्रोवाइड करते हैं नर्सेज घरों के लिए, इसी तरह से केयर कॉन्टैक्ट नंबर ड्यूटीज, ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो
ये तो हमने किया वेबसाइट से शुरू, वेबसाइट्स का लिंक इंटर किया हमने ये वाला, और उसने हमें उस कीवर्ड्स रिलेटेड दे दिए कि उसके वेबसाइट्स पे ये सर्विसेज हैं और इसके रिलेटेड यही ये वाली सर्चेज हो रही हैं दुबई में। हम जाते हैं अपने कीवर्ड आइडियाज़ के मुताबिक कि अच्छा हम ये तो सर्विसेज हमें पता है, होम हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है दुबई में, तो हमें कुछ आइडिया खुद से होना चाहिए। आइडिया कहाँ से हमें मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा आइडिया। प्राइमरी कीवर्ड हमारा सबसे कौन सा था प्राइमरी कीवर्ड? ये वाला होम केयर नर्स। ठीक है, ये होम केयर नर्स हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल हमने इस पर वो चलाना है, ऐड चलाना है, तो ये तो हमें पता है ना। फिर हम लिखते हैं होम केयर ये कीवर्ड्स हमें पता था, हमने आइडिया लिया इसके रिलेटेड, ये यहाँ पे लोकेशन सर्च किया, हम इस गेट रिजल्ट पे जा रहे हैं एक ही कीवर्ड्स के रिलेटेड। हमने कौन सा कीवर्ड दिया? ये वाला कीवर्ड दैट यू प्रोवाइडेड होम केयर नर्स सर्विसेज। उसके सर्चेज वो बता रहे हैं कि 10 से 100 हर मंथ हो रही हैं। फिर उसके रिलेटेड सर्चेज ये हमें खुद से बताता है कि केयर होम नियर में, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी, ये सारी सर्चेज वो बता रहे हैं हमें। इस तरह से भी हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक इंटर करके भी हमें वो ढूंढ सकते हैं कीवर्ड्स। पर हमें ढूंढने कौन से हैं? अगर हम कोई चीज़ कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो बाइंग इंटेंट वाले कस्टमर हमें चाहिए, बाइंग इंटेंट वाले ऑडियंस का ये चाहिए। बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स जो हैं वो नियर मी के हैं, बेस्ट हो गया, बाय हो गया, इस तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए। साथ में मतलब लगा बाय होम सर्विस नर्सिंग हो जाए, या होम केयर नर्सिंग नियर मी हो गया, बेस्ट होम केयर नर्सिंग सर्विसेज हो गया, इस तरह की कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर तो कोई कोर्स सेल करें हम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया जैसे, तो फिर उस तरह से कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कीवर्ड्स हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम सेल कर रहे हैं कोई भी, तो हम यहाँ पे हमें पता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं, तो सबसे प्राइमरी कीवर्ड तो हमारे पास आ गया ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हम वो ऐड करेंगे अच्छा दूसरा कीवर्ड आप बताओ, कोई आइडिया बताओ कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं जस्ट ट्रेनिंग के लिए, तो दूसरा कीवर्ड हमारे आपके जहन में क्या आता है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हाँ अच्छा कीवर्ड है ये वाला, और बताए कोई? कोई और? और कोई नहीं है यार, बताओ ऐसे भी बता दो। स्पेसिफिक नेम जा सकते हैं हम जो कोर्स का क्या समझ नहीं है, आवाज की समझ है आपकी, दोबारा बोलो। मैंने कहा अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स जो उसका नेम है हम उसका नेम डाल दें, अगर जो कोर्स हम सेल करना चाह रहे हैं। अभी हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक में नहीं जा रहे, आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड बताओ कोई। अच्छा ये बात जो आपने किया ना रहमान, ये होता तब है ना, अब हम जस्ट डिजिटल मार्केटिंग के में अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स सेल कर रहे हैं तो हम शुरू में जा रहे हैं मेन कंपेन की तरफ जिसमें जस्ट डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड आना चाहिए। अच्छा मेन कंपेन ये होती है, फिर हम जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं? गूगल एड्स आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, SEO आ जाता है,
तो फिर उसमें हम अलग-अलग एड ग्रुप्स बनाएंगे, जैसा गूगल एड्स के रिलेटेड हम कोर्स सेल कर रहे हैं तो गूगल एड्स के रिलेटेड एक एक ऐड ग्रुप बनेगा, एसईओ के कोर्स सेल कर रहे हैं तो एसईओ के रिलेटेड दूसरा ऐड ग्रुप, ईमेल मार्केटिंग के तीसरा ऐड ग्रुप, सोशल मीडिया मार्केटिंग का चौथा ऐड ग्रुप, फिर हम वो एक ऐड ग्रुप के रिलेटेड, फिर गूगल एड्स के रिलेटेड ऐड ग्रुप बनाएंगे ना, तो फिर गूगल एड्स के रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करेंगे, गूगल एड्स बेस्ट गूगल एड्स कोर्स, अच्छा इसके अलावा गूगल एड्स कोर्स नियर मी, अच्छा उसके वो और आ जाता है कि इफ़ेक्टिव गूगल एड्स कोर्स आ जाता है, इस तरह से कीवर्ड्स यूज़ करेंगे उस एड ग्रुप के रिलेटेड, उस सर्विसेज के रिलेटेड। ओके मतलब ये मेन कैंपेन समथिंग एल्स है और जो स्पेसिफिक अंदर जाके ग्रुप बनने हैं वो इसी मेन कैंपेन के अंदर बनेंगे हमारे। हाँ, ऐसे ऐसे जो फ्यूचर में हम सीखेंगे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एड ग्रुप्स जो बनते हैं, एड ग्रुप्स जो बनते हैं वो एक स्पेसिफिक आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जैसे मैंने आपको शूज की एग्जांपल दी ना, ये यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, अच्छा जैसे ये एक वेबसाइट है ठीक है इंडिया की, अब उसमें वो पता है क्या कर रहा है, अपने की शू सेल कर रहा है, वुमेन्स के भी कर रहा है और किड्स के भी कर रहा है, ये तो ये मेन, ये उनकी मेन वो है। अच्छा अब इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके मेन के अंदर भी काफ़ी सारी टाइप्स होंगी, वुमेन्स के भी अंदर काफ़ी सारी टाइप्स होंगी, किड्स के। अच्छा हम कहाँ जाएंगे, हम इन तीनों की अलग अलग कंपेन बनाएंगे, मेन्स की कंपेन अलग, वुमेन्स की अलग, किड्स की अलग, ठीक है। अच्छा हमने हमने कैंपेन बनानी मेंस की अलग, अच्छा मेंस की, अब मैं मेंस के अंदर चेक करते हैं क्या हो रहा है इसके, अच्छा मेंस के अंदर वो दो डिफरेंट किस्म के वो दे रहा है, शूज भी दे रहा है और कपड़े भी सेल कर रहा है, ठीक है सही। तो अच्छा ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, हम इस पे नहीं जाते, हम इसके लिए अप्रैल की भी अलग ऐड ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब हम शूज़ के अंदर जाएंगे ना, शूज़ के, अब शूज़ भी वो डिफरेंट किस्म के दे रहा है, ये ड्रेस शूज़ हैं, ये स्नीकर्स हैं, कोई जॉगर्स हैं, यहाँ पे स्लीपर्स होंगी, सैंडल्स होंगी, तो हम ऐड ग्रुप इस तरह से बनाएंगे, अच्छा ड्रेस शूज़ का एक ऐड ग्रुप बना देंगे, फिर उसमें हम जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो ड्रेस शूज़ के रिलेटेड होंगे, अच्छा बेस्ट ड्रेस शूज़ हो गया, बेस्ट ड्रेस शूज़ नियर मी हो गया, इस तरह से कीवर्ड्स यूज़ करेंगे हम, बेस्ट लेदर ड्रेस शूज़ हो गया, इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब स्नीकर्स, अगर स्नीकर्स का ऐड ग्रुप बनाएंगे तो उसके उसमें स्नीकर्स का ही वो आएगा, कीवर्ड्स ऐड करेंगे। अब एक वेबसाइट है जस्ट वन, उसके रिलेटेड हम तीन कंपेन्स बना रहे हैं, मेंस की अलग, वुमेन्स की अलग और किड्स की अलग, फिर किड्स के अंदर मेंस के अंदर फिर ऐड ग्रुप्स बनाएंगे, ऐड ग्रुप्स में उसके टाइप्स, शूज़ की टाइप्स, मतलब उसके रिलेटेड हम कीवर्ड्स एंटर करेंगे, एक ऐड ग्रुप स्नीकर्स का, एक ऐड ग्रुप सैंडल्स का, एक ऐड ग्रुप आ जाएगा स्लीपर्स का, इस तरह से वुमेन का भी ऐसे आएगा, सेम ऐड ग्रुप्स बनेंगे अलग अलग, और किड्स का भी अलग अलग ऐड ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। ओके ओके तो इसको मेन कैंपेन किसका नाम देंगे हम, क्योंकि नड्योर तो मेन कैंपेन आप ना चलाओ, आप स्पेसिफिक जाओ, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपको जो ये जो अंदर जो एड ग्रुप्स के कीवर्ड रिसर्च होती है ना, वो आपको उसका जो वॉल्यूम होता है सर्च वॉल्यूम, उसका सर्च वॉल्यूम आपको कम मिलता है, उसके सर्चेज आपको कीवर्ड प्लानर में आप जाके चेक करते हो ना, आपको सर्चेज बहुत कम मिल जाते हैं, 4, 10, 15, 20, 25 स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट होती है अंदर जाके, फिर इसीलिए हम फिर हम उस वजह से हम फिर मेन एक कैंपेन चलाते हैं, मेन पहले शुरू में मेन कैंपेन चलाते मतलब हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर दफा हम मतलब मेन कैंपेन के अंदर ग्रुप बनाए, कभी ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है कि जहां हमें सबकी अलग-अलग ही चलानी पड़े, जैसा कि ये निर्दयोर जो है बेसिक, तो इसको हम देखें तो ये शूज का है लेकिन अंदर ये कपड़े भी सेल कर रहा है और डिफरेंट टाइप के शूज सेल कर रहा है, शूज भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, अगर किसी के पास एक ही टाइप के शूज, जैसे नाइकी है, नाइकी का मेन यही है, स्नीकर्स बनाता है वो, उसके अलावा
अब स्लीपर्स भी बना रहा है, बाकी मेरे ख्याल में क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स भी अब बना रहा है, पर मेन उसका शूज़ है नाइकी के, तो नाइकी की मेन कंपेन चल जी जाती जी है एक तरह से। फिर अच्छा इसके अंदर अब पता है हम इसके एड ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, इसके जी एड जी ग्रुप्स जी। हम इसलिए बनाते हैं, अब मैं आपको क्या बताऊँ कि हम अब शूज सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शूज सेल कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि शूज़ की मेन कंपेन चला दें हम, बेस्ट मैन शूज़ नियर मी, मैन शूज़ नियर मी, अच्छा उसके अलावा आपके आपकी समझ में ये है कि हम मेंस की एक कंपेन, मैन शूज़ की एक कंपेन चला दें, ठीक है, तो एड ग्रुप्स हम क्यों बनाए, ये क्वेश्चन होगा आपके भाई, हम एक एक ही कंपेन चला गए शूज़ की, उसमें सारे आ जाए, स्नीकर आ जाए, स्लीपर आ जाए, सारे आ जाए, वो ठीक है आपकी बात, पर पता है हमें मुश्किल कहाँ पे होती है, वो यहाँ पे होती है, मैं बताता हूँ आपको। जब हम मैन शूज़ की तरफ जाएंगे ना, मैन शूज ऐसे तो ये शूज हमने मैन शूज का एड बनाया, मैन शूज का, और मैन शूज इन पाकिस्तान, ठीक है, ये कीवर्ड्स यूज किया हमने, इस पे हमने एड चला दिया, क्या रोल है इस पे हमने ऐड चला दिया, ठीक है, अजी अब यहाँ पे ऐड नहीं आ रहा, तो मैं कोई आपको बताऊँ शायद इस पे ऐड चला हुआ नहीं है, वैसे मैं आपको आइडिया, अच्छा मैन शूज़ का हमने बता दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना जो हेडलाइंस होती हैं, जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जो ये साइट लिंक्स होते हैं, वो उस सर्विसेज के रिलेटेड होती है, ठीक है, ओके मतलब मेन हेडलाइन के नीचे हम जो है ना वो स्पेसिफिक जो शूज जहां पर जाना चाहते हैं। अब हम अगर स्पोर्ट शूज की अगर हम कैंपेन चला रहे हैं स्पोर्ट शूज की, अब हम अगर मतलब स्पोर्ट शूज की अगर हम कैंपेन चला रहे हैं, तो जो हेडलाइंस हैं वो हेडलाइंस भी स्पोर्ट शूज के रिलेटेड होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी स्पोर्ट शूज के रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, साइट कॉल आउट्स आप दे सकते हो कोई भी, वो आपकी वेबसाइट पे जितने पेजेस हैं आप उसके भी दे सकते हो, आप स्पोर्ट शूज के रिलेटेड भी दे सकते हो, ठीक है, इसलिए हम अलग अलग एड ग्रुप्स की तरफ जाते हैं। अच्छा हम मेन एक हो गया, फिर लाकर ग्रुप ग्रुप हो गया, मेन हम इस तब चलाते हैं जब आगे एड ग्रुप्स की हम जो रिलेटेड कीवर्ड्स होती है उसकी सर्चेस कम मिल रही हो, फिर हम मेन कैंपेन्स की तरफ जाते हैं, मेन कैंपेन्स में ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है, हम सर्च अगर हमारा एड चल रहा होता है ना, तो एड रनिंग के दौरान ही हमें एक ऑप्शन आता है सर्च टर्म का, कि अच्छा ये आपने जो एड चलाया हुआ है ना, ये लोग ये कीवर्ड सर्च करके आपके एड पे आ रहे हैं, एक कीवर्ड एक कीवर्ड वो होता है जो हमने प्रोवाइड किए होते हैं, एक कीवर्ड वो होता है जो ऑडियंस सर्च करके हमारे ऐड पे आ रही होती है, वो हमने अपने ऐड में प्रोवाइड नहीं किया होता, हमने ऐड कॉपी में नहीं लिखा होता, वो मैच टाइप्स में आता, वो अलग टॉपिक है उसका, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, वो सर्च टर्म में जब हमने एक मैन शूज की मेन कैंपेन चला दी, ठीक है, मैन शूज की, और उसमें हमने कीवर्ड ऐड कर दिए, बेस्ट मैन शूज ऐड कर दिए, मैन शूज ऐड कर, दो कीवर्ड्स ऐड कर दिए, अच्छा अब कोई बंदा सर्च करके आ रहा है मेंस स्पोर्ट शूज, और उसको हमारा ऐड शो हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम उसको जाके चेक करते हैं कि अच्छा हमने तो ये कीवर्ड यूज नहीं किया था, पर लोग ये सर्च करके हमारे ऐड पे आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी सर्चेज ज्यादा हैं, इसकी इंटेंट ज्यादा है, फिर हम उस कीवर्ड्स को अपने ऐड में या उसका अलग ऐड ग्रुप बना देते हैं या उसी ऐड ग्रुप में उसको ऐड कर लेते हैं, समझ आ गई आपको? जी जी, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का मेन हम इसलिए चला रहे हैं कि आगे हम अगर कोई स्पेसिफिक सर्विसेज जैसे कि गूगल एड्स का कोर्स सेल कर रहे हैं, तो वो जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स को सर्च करेगा वो आगे जाके हमारा वो स्पेसिफिक कोर्स जो है वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। सही, वो इस तरह से अगर हम ये दो कीवर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमने अपने ऐड ग्रुप में मेन कैंपेन चला दी, अब कोई सर्च करके आ रहा है बेस्ट SEO डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, बेस्ट SEO डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा, वो एक अलग सी कंडीशन है, वो इसको हम जब मैच टाइप में कीवर्ड्स को मैच टाइप में रखते हैं ना, तो इससे आगे पीछे
कोई वर्ड यूज़ करता है तो हमारा ऐड शो हो जाता है, कोई एग्जैक्ट यूज़ करता है यही की वर्ड तब हमारा ऐड शो होता है, तो वो एक अलहदा वो हमारा टॉपिक है, फिर उस पर भी हम बात करेंगे। मैं जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम मेन कम्पेन चलाते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, तो कोई ये सर्च करके आ रहा है कि बेस्ट SEO डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पर हमने तो उसको SEO का वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ अपने एड कॉपी में, उसको कीवर्ड यूज़ की नहीं किया हुआ। तो जब हम ये देखते हैं कि अच्छा बेस्ट SEO डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सर्च लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो हमारा ऐड भी उनको शो हो रहा है, तो हम उस कीवर्ड्स को अपने ऐड ग्रुप में यूज़ करते हैं या उसका अलग ऐड ग्रुप बना देते हैं कि अच्छा SEO की ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं, हमें चाहिए कि हम SEO के कोर्स ज़्यादा बेचें, हम SEO की ज़्यादा उसको वो करें, ये हमें आइडिया मिल जाता है एक मेन कैंपेन की तरफ से। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो सारे चुप हैं। नो क्वेश्चन। समझ आ गई है सारी? जी सर समझ आ गई है। आपको वेबसाइट्स हैं, आपसे सर्च कर लेंगे सारे कीवर्ड सर्च? जी जी कीवर्ड सर्च कर लेंगे। माशाल्लाह। अच्छा आप इस पे देखिएगा, कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा, कोई भी समझ ना हो तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेपरेटली मैसेज कर देंगे इनबॉक्स में। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैच टाइप पे, कीवर्ड्स मैच टाइप। हम कीवर्ड्स को अपने एड कॉपी में यूज़ करते हैं तो उनको एक मैच टाइप देते हैं, उनको एक कंडीशन देते हैं कि अच्छा ये जो कीवर्ड है ना इस पे जो हम ऐड दिखाना चाह रहे हैं जस्ट इसी पे ही सर्च करके हमारा ऐड शो, या इसके आगे पीछे कुछ ऐड करके है तब भी हमारा ऐड शो। तो वो मैच टाइप होती है, तीन किस्म की मैच टाइप होती है, एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। इस पे आप थोड़ी सी सर्च करके आना, आप पढ़ के आना, आपके जहन में क्वेश्चन होने चाहिए कि अच्छा मैं ये पूछूंगा, आपने पूछना है मुझसे कि ये क्या है, बस उस पे हम बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप मुझे मैसेज कर दिया करें इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है, और लेक्चर ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर का फिर आपको शेड्यूल में जो भी होगा आपको बता देंगे। आज के लिए माजर, थोड़ा कल भी इशू था, आज भी लाइट नहीं थी, लाइट का इशू था तो लेट हो गया थोड़ा, मेरे ख्याल में एक दो कोई कम हो गए गाइस। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम प्रॉपर क्लास लेंगे और प्रॉपर से पढ़ेंगे, ये भी लेक्चर अच्छा हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह से होंगे। बाकी कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है यार? अगर हम लोग अपने तौर पे कोई वेबसाइट की कीवर्ड सर्च करें तो हम आपको उसके वो चेक करवा सकते हैं? हाँ करें आप करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी वेबसाइट कोई भी उठा लें, कोई भी वेबसाइट, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होनी लाजमी है, कोई भी वेबसाइट उठा लो यहाँ से, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढो, आप मुझे दिखाओ कि अच्छा ये मैंने कीवर्ड्स उठाए हैं ये ठीक हैं गलत हैं, ये उसकी सर्चेज अच्छी हैं। आप पाकिस्तान की उठाओ, आप बाहर की उठाओ, दुबई की, USA, कनाडा, इसी तरह से पहले एक सर्विसेज की उठाओ, फिर आप कोई प्रोडक्ट्स की उठाओ, फिर अनदर सर्विसेज किसी और नीश पे उठाओ, कोई रियल स्टेट पे उठा ले, कोई प्लम्बिंग सर्विसेज पे उठा ले, कोई किस पे, इस तरह से हर कोई डिफरेंट नीश पे मतलब ढूंढे। ये नीश का भी फ़र्क होता है, मतलब कोई प्लम्बिंग सर्विसेज किस दे रहे हैं, जैसे अब मैंने होम नर्सिंग की बताई, इस तरह से थोड़ी मुश्किल होती है फिर जब नीश चेंज होती है। फिर हम कोशिश करेंगे जब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना, कीवर्ड सर्च हम कर लेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे डिफरेंट ना बिजनेसेस पे हम सर्च करें, मतलब कि हम प्लम्बिंग सर्विसेज पे हम सर्च करें एक दिन, हम रियल स्टेट पे सर्च करें, एक दिन हम कार सर्विसेज पे सर्च करें, रिपेयर सर्विसेज पे, इस तरह से हम हर बिजनेस के इंशाल्लाह करेंगे सर्च तो हमें उस पर ग्रिप अच्छी हो जाएगी। ठीक है जिम दान, एक क्वेश्चन था, कल हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि जिनका कंपटीशन हाई है ना हमने उनको अवॉइड करना है, लेकिन आज हम हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड भी उठा रहे थे। असल में होता यह है कि जब हम मीडियम और लो कंपटीशन की तरफ जाते हैं ना तो फिर हमें सर्चेज नहीं मिलती। आप काफ़ी सारे बिजनेस, होम केयर नर्सिंग सर्विसेज का बिजनेस है जो मैंने आपको ये दिखाई, आप इसकी जो पे पर क्लिक पे जाओगे, ये $8 का एक क्लिक चार्ज कर रहा है,
शायद $8 का एक क्लिक चार्ज करें। कोई सर्विसेज ऐसी होती हैं कि मीडियम आप मीडियम लो की तरफ कंपटीशन की तरफ जाते हो, कोशिश यही होती है कि आप मीडियम और लो की तरफ जाओ ताकि कंपटीटर ज़्यादा ना हो उसमें आपके, तो आपका और टॉप पे शो हो। पर जब आपको सर्चेज कम मिलती हैं और साफ ज़ाहिर है जब सर्चेज कम होंगी तो कंपटीशन हाई होता है। और कोई क्वेश्चन बाकी बिट के बारे में भी वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर अगले लेक्चर में शायद कर लेंगे, क्योंकि वो बिट का भी आ रहा है ना, वो पेपर क्लिक के पढ़ना है शायद, वो प्राइस भी देखनी पड़ेगी ना कीवर्ड सर्च के लिए। अच्छा बिट पे अलग-अलग बिट स्ट्रेटजीज पे अलग-अलग एक लेक्चर होगा, वो कोई भी आपको दे देगा वो बता देंगे। उसका ये होता है कि एक्चुअली बिट पे हम जाते नहीं हैं, मतलब इस तरह से कह रहा हूँ मैं आपको, बिट आपको देखनी नहीं चाहिए होल मतलब लो या ज़्यादा, क्योंकि जब आपकी सर्विसेज बिट से तो ज़्यादा ही होती है ना, मतलब $8 आपको पे पर क्लिक का चार्ज कर रहा है और आपकी सर्विसेज है $150 की $200 की, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब हमारा फोकस नहीं चीज़ों पर रहना चाहिए, आपकी कीवर्ड अच्छा होना चाहिए, जस्ट कीवर्ड अच्छा होना चाहिए कि आपका कीवर्ड सर्च हो और आपका ऐड शो हो जाए। कीवर्ड्स का मकसद ये होता है कि आपका ऐड शो होना टॉप पे, ठीक है। हम कीवर्ड्स ऐसे यूज़ करें कि जिससे हमारा ऐड शो हो जाए, उसके बाद गेम जो होती है वो होती है हेडलाइंस की, डिस्क्रिप्शंस की, जो आपके ऐड की अपेयरेंस होती है उस पर। जब एक हमारा कीवर्ड्स हमने इंटर कर दिए, कीवर्ड्स के बाद कीवर्ड्स का मकसद ये होता है कि आपका ऐड शो हो जाए पेज पे, टॉप ऑफ पेज पे कीवर्ड हमारा ऐड शो हो गया, उसके बाद जो गेम शुरू होती है वो होती है हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, साइट लिंक्स, कॉल आउट्स की, कि अच्छा आपकी हेडलाइंस भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आपके हेडलाइंस अट्रैक्टिव होंगी तो लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे ना, कुछ उनको नज़र आएगा ऐड में, कुछ उनको अगर कोई कुछ सर्च करके आ रहा है मतलब कोई चाहता है कि मुझे 50% डिस्काउंट चाहिए, तो अगर हमारी वेबसाइट 50% डिस्काउंट दे रही है तो हेडलाइंस पे भी हमने यूज़ किया हुआ है 50% डिस्काउंट, तो ये एक ज़्यादा बेटर हेडलाइन होगी, हो सकता है उस पर क्लिक कर दे। हम अट्रैक्टिव हेडलाइंस बनाएंगे, वो मैम आयशा आपको बताएंगी हेडलाइंस के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, वो अच्छा गाइड करेंगे आपको मुझसे। और रहमान भाई और कोई क्वेश्चन, कोई और भी बोल बोले पड़े, सारे चुप हैं। आगे नहीं मेरा अंदर इतनी है। अच्छा अजीम साहब, इजाज साहब, इजाज नहीं है अजीम, जी जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर, फिलहाल मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, अपने दौर पे गौर कर रहा हूँ, फिर बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा लेना। अच्छा तो ठीक है, ठीक है, चले ठीक है, हम सेशन एंड करते हैं, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको बताते हैं कि मतलब किस तरह से शेयर करना है आपके साथ, कल रात वाला भी रिकॉर्ड किया था, आज वाला भी हो गया। चले अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट फिर हम सैटरडे को मिलेंगे, और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो आपके, कोई भी इशू क्वेरीज वगैरह, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, वॉइस सेंड कर